नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है पालवी हिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, मोक्ष की प्राप्ति के कैसे संकेत होते हैं आपके हाथों पर, जो आपको इशारा करते हैं, जो संकेत देते हैं। वैसे तो ये बहुत गूढ़ विद्या है और बहुत गहराई की विद्या है, और इसके पीछे एक लॉजिक बनता है, कहानी बनती है। वो कहानी के तौर पे हमें यहां पर उसकी विशेषताएं बतानी पड़ेगी। कहते हैं राहु केतु, राहु केतु को बहुत बल प्राप्त है। जैसे कि सभी जानते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें से 14 रत्न निकले थे, और वो 14वां रत्न जो निकला था, अमृत निकला था, और उस अमृत को पीने के लिए देवताओं और दैत्यों में लड़ाई छिड़ गई थी। तो भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण करके उन्होंने ये बोला कि आप देवताओं की एक पंक्ति अलग से बना ले और दैत्यों की एक पंक्ति अलग से बिठा ले, हम इस अमृत को आप सबको अमृत पान करा देंगे। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु ने अमृत पान कराना शुरू किया था देवताओं को, उसी पंक्ति में, राक्षस की पंक्ति में बैठा एक स्वर भानु नामक राक्षस ने अपने रूप को चेंज किया, बदल लिया, और वो देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया, और भगवान विष्णु ने उसको अमृत पान करा दिया था। अमृत पान कराते ही भगवान विष्णु वो अमृत पी चुका था, लेकिन उस अमृत को पीते ही भगवान ने जब उसको पिलाया था, और इसी के साथ सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया था, क्योंकि वो स्वर भानु नामक राक्षस था। भगवान विष्णु को इशारा किया सूर्य और चंद्रमा ने, और जैसे ही इशारा मिलते भगवान विष्णु ने स्वर भानु नामक राक्षस को अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। आज जो ऊपर का उसका धड़ बनता है वो राहु के रूप में मानते हैं, और जो नीचे का धड़ बनता है उसको केतु के रूप में मानते हैं। आज भी सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु ही ग्रहण लगाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हमेशा राहु और केतु 180 डिग्री के पास होते हैं। ये राहु का क्षेत्र है, ये राहु का क्षेत्र है, और इसी के ठीक सामने यह केतु का क्षेत्र होता है, इसको हम केतु का क्षेत्र बोलते हैं। जहां पर राहु को हर चीज को पाने की बहुत इमोशनल प्लैनेट है, हम कह सकते हैं इसको पाने के लिए बहुत जल्दी होती है, हर चीज को पाने के लिए इसके अंदर जल्दबाजी होती है, हर काम को करने के लिए, और इसी को पाने के लिए दूसरा जो केतु का पार्ट है, ये अपने आप पे एक संयम है, इसको तसल्ली है कि जो मिला है मुझे ठीक मिला है, इसको मोक्ष का हम मानते हैं। और केतु के पर्वत के ऊपर अगर शुभ साइन बनता है, जैसे कि यहां पर हम फिश की साइन लेते हैं, ये फिश की साइन केतु के पर्वत के ऊपर, यहां पर हम फिश की साइन लेते हैं, या यहां पर हम त्रिशूल की साइन लेते हैं, त्रिशूल का साइन, या यहां पे हम वर्गाकार लेते हैं, या यहां पे हम कमल का फूल लेते हैं, ये शुभ साइन जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति की तरफ इशारा करता है। और इसी प्रकार से ये जो हमारे गुरु का फिंगर है और ये शनि की फिंगर है, माफ करना, ये हमारी शनि की फिंगर है, इसके बीच में अगर ये फिश की साइन बनती है,
ऐसे लोग मोक्ष की अवश्य प्राप्ति करते हैं अपने जीवन काल में। ऐसे लोगों को गहरे आध्यात्मिक का ज्ञान होता है, वो अपने गहराइयों में लगे होते हैं एक गहन अध्ययन के लिए। और इसी प्रकार के शनि के पर्वत के ऊपर एक फिश की साइन बनना, ये काफी शुभ साइन माना जाता है। यहां पे यहां पर गुण विद्याओं का ज्ञान देता है और सिक्स सेंस पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। ये आने वाले भविष्य की इनको कैलकुलेशन हो जाती है, इनको आने वाला भविष्य क्या कहता है इनको पहले ही उस चीज के बारे में आभास हो जाता है, पता लग जाता है। इनकी समझने की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। कहते हैं ना, जो चीजें घटने वाली है इनको आभास हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।